हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, फिलहाल अभी बज रहा है रात का 9 और अभी बिल्कुल जस्ट मैंने ब्लॉग ये स्टार्ट किया है। तो मैं जा रहा हूँ आज 31st का सेलिब्रेशन के लिए। तो अभी जस्ट मुझे पता चला है, तो दोस्त ने बताया, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग भी बन जाएगा और सेलिब्रेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलेंगे और फटाफट पहले मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ, तो उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। चलिए फिर मैं कपड़े चेंज करता हूँ पहले। गाइस, और सेट तैयार हो गए, तो अब मैं निकल रहा हूँ, ठीक है, और आपको दिखाता हूँ क्या क्या सीन है। चलिए फिर चलते हैं। तो गाइस, कोहरा देखिए आप कितना ज्यादा हो रहा है, पास तक का नहीं दिख रहा है बिल्कुल। हमारे जस्ट थोड़ा सा दूर पे चौराहा, वो भी नहीं दिख रहा है। हम लोग जा रहे हैं न्यू ईयर पार्टी बनाने, पोपट ना हो जाएगा। सजावट तो नहीं दिख रहा है। और ये देखिए सजावट है, इतनी लाइटिंग वाइटिंग हो रखी है तब भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए सिस्टम, ये देखिए हमारा छतरी चौराहा, ये देखिए तुम्हारे गोल गोल छतरी चौराहा, ये देखिए भाई साहब। आप देखिए कुछ दिख रहा नहीं दिख रहा होगा। हम लोग जा रहे हैं 31st मनाने के लिए, और कहीं पोपट ना हो जाए वहाँ पे हमारा। क्यों भाई? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो फिर पहले एक काम है वो कर ले, उसके बाद मिलते हैं। हो रहा देखो कितना ज्यादा हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, थोड़ी सी दूर का भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए ये आ गया हमारा गन्ना चौराहा, ये भी सजा हुआ है भाई साहब। अब कोहरा देखिए क्या तगड़ा कोहरा हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, और लाइटिंग बहुत तगड़ी हो रही है। ये देखिए, ये अब कोई लाइटिंग नहीं है, अब सीधे पार्क में जाके मिलेंगे हम। लाइट मिलेगी वहाँ पे, वहीं जाके मिलेंगे। तो गाइस, ये है नेहरू पार्क। यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा डेकोरेशन थी, अब हम जब आए हैं तो कुछ नहीं है। ये देखिए अंदर दिख रहा है आपको, ये देखिए ये डेकोरेशन रखी है, ये इनने अंदर रख ली है, ये बाहर रखी थी अभी यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ तो पोपट हो गया हमारा, अब चलेंगे। कल के लिए है, अभी आज के लिए नहीं है, कल के लिए है ये। अभी चलते हैं हम स्टेशन चाय पीने। और भाई सारा बचा अपने पास, और बचा ही है तो ठंड के मारे, पता ही है तुम्हारे हाथ का भी ऐसे नहीं हो रहा है ऐसे। तो गाइस हम लोग आए थे, अब यहाँ पे तो पोपट हो चुका है, चलते हैं। अभी डेकोरेशन बहुत तगड़ी थी यार, मैं जब देखने आया तब तो बहुत सारा था, अब तो कुछ नहीं है यहाँ पे। तो चलते हैं, अब क्या कर सकते हैं, चलना ही पड़ेगा। अब न्यू ईयर अब हम मनाएंगे, कल आज तो पोपट हो गया हमारा फिलहाल। आपको ये देखिए डेकोरेशन बहुत तगड़ी है। क्या तू बैठ जा पहले बीच में, तो चलते हैं अब स्टेशन चाय पियेंगे जाके। पोपट हो गया यार, यहाँ तो आपको और नहीं दिख रहा होगा, स्नो बॉल होने वाली है। हाँ, पीलीभीत बनने वाला नैनीताल थोड़ी देर में। अब बस हमें चाय का सहारा है, चाय मिल जाए। और चाय भी नहीं मिले तब तो मेरी कहानी खराब है, स्नो बॉल हो रहा है, स्नो बॉल। यार चाय तो इतना पता हमें मिल जाएगी, और ये देखिए बेचारे ठंड में जा रहे हैं लोग इतने कोहरे में, देख रहे हो गाड़ी भी ना दिख रही है, कत्ता ही ना दिख रही है, कत्ता ही चंदन कुछ दिख रही है। कोई आ गया ना, कुत्ता उत्ता दिखा ही ना है। ओ हो, अमित गाड़ी आपको दिख रही है, बोले क्या आज गाड़ी है, गाड़ी गाड़ी कहाँ आ रहा। तो अब हम आ गए हैं दूध पीने के लिए यहाँ पे, बहुत ठंडा है। बात तो पोपट हो गया, पर हाँ हमें डेकोरेशन तो मिल गई है फिलहाल। ये देखो यहाँ पे भाई ने डेकोरेशन कर रखी है, ये कल की कर रखी है। अब यहाँ हमारा बंदा है, दूध पियेंगे बस, फिर मस्त एंजॉय करेंगे। स्टेशन के पास में है भैया की दुकान, स्टेशन के पास में दूध पीजिए। किसकी? हम तो रोज। कौन है? जीजा। हेलो जी, नमस्ते, बढ़िया भाई। पार्टी? अरे हम लोग यही है, कहीं आए थे पार्टी देखने के लिए, पर अब देख रहे हैं कहाँ मिल जाए। अरे हम इधर आए थे नेहरू पार्क की तरफ, पर मिली नहीं हमें पार्टी, हम अब और कहीं जा रहे हैं। हाँ बताओ, ये देखो ये पिएगा दूध वाला, दूध दूध मलाई वाला दूध, ये ऐसे खाऊंगा, ऐसे खाऊंगा ऐसे। अरे अरे थोड़ी दादा मंटी ली, बस बात कर लेना ढंग से। अरे दूध कंप्लीट,
और चंदन दिखाएंगे कंप्लीट। आई ठंड बहुत है देख रहे हो, ठंड बहुत है। हमें लाइट यहीं पे मिली है, और कहीं लाइट ना मिल रही। चलो जल्दी चलते हैं, तापते हैं। अच्छा हीटर में और कहीं चलने का प्लान है? हाँ देखते हैं, लाल लाल हो रहे हैं, देखिए। कोई नहीं, अगर अगर कोई चाहेगा तो वो दे देंगे तुम्हारे फैमिली पैक। हाँ फैमिली पैक रेड रेड हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कैमरे में, साफ नहीं दिख रहा होगा। साफ नहीं दिख रहा होगा, गोरे तो वैसे ही बहुत। और फिर थोड़ा लाइट ने कर दिया। गरीब तो मैं हुई हुई इन लोगों से, तो गरीब ही। लाल हमें बहुत बेकार लगा यार, आज पोपट हो गया। हम लोग का पोपट ही क्यों हो जाता है? हो जाता है यार, क्या करें, गरीब आदमी है ना। हम सोचे थे कि अरे भाई डेकोरेशन है तगड़ी, वो डेकोरेशन उठा के अंदर ले गए यार। उन्होंने अंदर रख ली डेकोरेशन अपनी, बोले कल मनाएंगे। चलो पर बताए हमारे, हमें ऐसा लगा हमारे पीढ़ी में पहली बार ऐसा हो रहा है। पर नहीं। परंपरा वो रही है, परंपरा टूटी नहीं है अभी तक। ऐसा नहीं बोलूंगा, परंपरा टूटी नहीं है अभी तक। वही रहते हैं, हम भी वही रहते। परंपरा है भाई अभी तक। यहाँ से बर्फ गिरी थी, यहाँ पे लग गई है। हाँ देखिए यहाँ बर्फ गिर चुकी है पर वो पिलक गई। चलो बैठते हैं गाड़ी पे। हाँ भाई तू पिज्जा वीजा खिला यार, एक के साथ एक फ्री वाला यार। बुधवार को कब मिलेगा वो? बुधवार को। बुधवार को तो उल्टे घूम चुके हैं हम लोग गाड़ी में बैठ के। ठंडी बहुत ज्यादा लग रही है। बहुत ज्यादा है, मैं तो उड़ लूं बिल्कुल। ये बताओ दोस्त ने बुलाया हमें तने? ओहो कैसे कर छोड़, कितने आपसे पैसे कर सकते यार। हमें तो बुलाया, हमें पहली बार खत्म कर रहे हो ऐसे बोले? पहली बार खत्म कर, गरीब आदमी है ना इसलिए। पहली बार खत्म कर रही हो? गरीब आदमी हूँ तो क्या, दिल बहुत बड़ा है मेरा। देखो हम कैसे करके, दूध ही पिलाए गाड़ी, हम पिला के देखो पिज्जा खिलाएंगे। भाई पिज्जा खिलाएगा, टाइम नहीं ले रहा, कल खिलाएगा भाई। और कल खिलाएगा पिज्जा, कल पिज्जा पार्टी। हर दिन खाना खिलाते हैं, टाइम होता है। तो कल का क्या सीन है भाई? लोग भाई चल रहे हैं नानक मते, आपने वीडियो देखी होगी नानक मते की, वहीं जाएंगे हम। देखते हैं क्या सीन बनता है वहाँ पे जाके। हमारा थोड़ा जा नहीं सकते हैं, वरना नैनीताल का प्लान था पूरा पूरा। हमारे भाई के कंडीशन खराब हो गई है। लाइट आ जाए, लाइट अंधेरा हो गया। कतई लाइट आ जाए, लाइट अच्छा ये बोलेगा चौराहे पे पहुंच के तब बताते हैं आपको क्या सीन हो गया था। हमारे नैनीताल हम लोग क्यों नहीं पहुंचे अभी बताते हैं आपको। इसमें चले, अरे भाई जा इसमें चल रहे हैं, इसी मनाते हैं न्यू ईयर चल के। तो आप यही रुकेंगे। आप बताओ भाई अमित भाई क्या सीन हुआ था? सीन ऐसा था, हम लोग जाने वाले थे नैनीताल। इनके पापा की थोड़ी, हमारे ये यार चंदन भाई इधर आओ यार, इन्हीं के फादर की थोड़ी तबीयत खराब हो गई, इसी कारण फिर हमने नैनीताल का फोन करना पड़ा। अब तो खैर फिलहाल ही ठीक है, उनके पिताजी अभी ठीक था, होटल भी कंसिल कर दिया, अब तो थोड़े बहुत ठीक है फिलहाल। ठीक है पर ज्यादा हालत कंडीशन मतलब अभी अभी इतने मतलब सही नहीं हो पाए हैं, मैच्योर नहीं हुए। मैच्योर कब तक, कब मैच्योर करेगा तू? अभी मैच्योर कब करेगा तूने ये बता मुझे? क्यों नहीं हुए अपने शरीर को लेके? 60 साल की उम्र होगा तो वो तो कट हो जाएगा। ये तो ऐसे कर रहे लाइव चल रही है तो हम इसी चक्कर में पोस्टपोन कर दिया हमने नैनीताल जाना। अब हम लोग जाएंगे इसलिए अपने लोकल में ही, हम आपने देखा होगा घूम ले रहे हैं, डॉल ले रहे हैं, हमारी ब्लॉग देखा होगा नानक मता, हम वहीं जा रहे हैं। उसका ब्लॉग तो आपने देख ही चुके हो तो हमें बताने से कोई वो नहीं है, और इसीलिए हम नैनीताल पोस्टपोन करके अब हम नानक मता जा रहे हैं। नैनीताल का नानक मता प्लान एन जरूर है उसमें, नैनीताल का एन और नानक मता का एन, तो एन जरूर जा रहे हैं, पर नैनीताल का नानक मता हो गया है। चलो तो इसीलिए हमारा ये देखिए ये होटल है कुमार होटल, पर इसके अंदर ये बंद है, इसमें भी हमारा पोपट हो गया है, पर डेकोरेशन क्या अच्छी लग रही है ये देखो। हम जा रहे हैं, अब ढूंढ रहे थे क्या डेकोरेशन ही देख रहे हैं इतनी देर से, देख के आना है। अरे तो मच्छर कहाँ से आ गए? मच्छर तो है भी नहीं यहाँ पे। फिलहाल गाइस हम लोग मतलब वहाँ से तो आ गया था, मैं 2 बजे समथिंग आया था और पोपट तो हो ही चुका था हमारा, तो हमने सोचा थोड़ा बातचीत कर लेते खड़े होकर, ऐसी बातचीत करी और
थोड़ी देर पहले ही मैं भी उठा भी हूँ, नाश्ता हो सकेगा, फिर मैं ऐसे लेट गया हूँ। निकलना है 12 बज के, निकलना है, वीडियो अपलोड पर लगा देता हूँ, 12:30 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी और फिर निकलते हैं हम लोग नाना मता के लिए। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।